ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम की नू और नगड़ा टोली रांची। कांग्रेस की ओर से झारखंड के 14 में से 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के दौरान इस पर काफी चर्चा हुई है। कांग्रेस के मंत्रियों को जनसंपर्क करने के साथ ही सभाएं करने का भी निर्देश दिए गए हैं। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय वरिष्ठ नेतागण, इन्हें आज विशेष रूप से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं माननीय राहुल गांधी जी एवं केसी वेणुगोपाल जी की उपस्थिति में एक अति महत्वपूर्ण बैठक आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस मुख्यालय में आज संपन्न हुई। मुझे खुशी है कहते हुए कि आज हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सभी सदस्य, हमारे सभी माननीय मंत्री, हमारे अध्यक्ष, हमारे सभी माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, सभी ने बढ़ चढ़ के आज की मीटिंग में भाग लिया। जो सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है वो है 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करना। आज जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है और पूरे देश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पैदा हुई है, ये वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस प्रकार से संविधान का मजाक उड़ाते हुए जितने भी विपक्षी दल हैं एवं चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनकर आई हुई सरकारों को और जनप्रतिनिधियों को जिस प्रकार से आतंकित किया जा रहा है, ये ना ही सिर्फ संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए, बल्कि मैं समझता हूं कि इस देश की आम जनता के अधिकार के ऊपर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज की वर्तमान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया है और इसका जवाब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहां तक झारखंड के हमारे जिम्मेदार सभी नेतागणों के उपस्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशानुसार और आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से अपने संगठन को मजबूत करते हुए इस 2024 की चुनौती के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में लोकसभा के इन 14 लोकसभा हमारे जो चुनावी क्षेत्र हैं, वहां पर एक एक वरिष्ठ नेता और वहां पर कोऑर्डिनेशन और कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी बहुत जल्द ही लगाई जाएगी, जहाँ पर प्रदेश से और उस लोकसभा क्षेत्र के हर एक बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। आने वाले समय में स्थानिक हमारे जो भी हमारी जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे गठबंधन सरकार की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को गोर गरीब तक, गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास एक मजबूत संगठन के माध्यम से हम करेंगे। आने वाले दिनों में हमारी सरकार से जो हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, जो हमारे मंत्रियों से हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने के लिए एक जनसंपर्क का कार्यक्रम विशेष रूप से जन सुनवाई के रूप में प्रदेश स्तर पर और हर जिला स्तर पर सफलतापूर्वक आयोजन किया जाएगा, जहां पर एक सामान्य कार्यकर्ता भी सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए सरकार की मदद से उसे किस प्रकार से मजबूत, उसके आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसे मजबूत किया जा सकता है, ये प्रयत्न किया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज के इस बैठक में जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उसके तहत आने वाले दिनों में माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट, इनकी जनसभाओं का आयोजन पूरे प्रदेश में जगह जगह पर किया जाएगा और साथ ही साथ सरकार के साथ समन्वय के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से इंडिया, जो हमारे विपक्षी दल का एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से सभी हमारे दलों को एकत्रित कर किस प्रकार से हम 2024 के लिए अन्य हमारे मित्र दलों की मदद लेकर मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे, ताकि 14 से 14 सीटों को जीतने का हम ना ही सिर्फ पूर्ण विश्वास के साथ
लेकिन वहाँ की जनता को इस केंद्र सरकार की गलत नीतियों से निजात दिलाने के लिए झारखंड से इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। निश्चित रूप से हमारे जितने भी जो इंडिया के साथ में जो गठबंधन के जितने भी हमारे दल हैं सब मिलकर 14 से 14 सीटों पर विजय हासिल करने की योजना हम बनाए। देखिए पिछले बार कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, स्वाभाविक है कि कांग्रेस अपने 9 सीटों के पर तो तैयारी करेगी, लेकिन लक्ष्य सिर्फ मात्र 9 सीटें नहीं है, 14 सीटें जो हैं लोकसभा की वहां से भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना ये हमारा परम लक्ष्य है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।